नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा किया है जिससे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि 29 जुलाई को संसद में दिए गए उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उनके घर पर रेड मारने की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने कहा कि वो खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें छापेमारी की जानकारी दी है। वहीं उनके इस दावे को लेकर जहां एक ओर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। अब राहुल गांधी के इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने ईडी की छापेमारी को लेकर दावा किया। शुक्रवार यानी आज तड़के सुबह की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा, जाहिर है दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मैं खिलाऊंगा। बता दें कि राहुल ने अपनी इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। ईडी रेट के दावे पर बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले से ही जमानत पर हैं। अगर जमानत रद्द हो जाती है तो जाहिर है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सुकांता ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्हें ये बात किसने कही। गिरिराज ने राहुल पर झूठ की खेती करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से ये दावा ऐसे समय पर किया गया है जब उन्होंने 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। राहुल ने कमल के निशान को हर जगह दिखाने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी पीएम मोदी, अमित शाह समेत 6 लोगों ने 21वीं सदी में भी किसान, मजदूर, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।